कि वो प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, आप देख सकते हैं। तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। एक घेरा बना लिया है, आप बैनर होर्डिंग्स देख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक एक तस्वीरें आपको अंदर तक दिखाएं। नारेबाजी की जा रही है, सीपी कनॉट प्लेस, ये जो है इनका मार्च जो है वो पहुंच चुका है जंतर मंतर से चलकर। बता दें कि ये इस मार्च में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण भी मौजूद हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, नीचे यहाँ जो है वो पहलवान बेटियाँ वो नीचे बैठी हुई हैं और इसमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद मौजूद हैं। हम कोशिश कर रहे हैं आपको एक एक तस्वीरें दिखाने की। ये रोड पर बैठ गए हैं यहाँ पर, ये सीपी में है। बता दें कि ये पिछले 23 दिनों से जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, आज इन्होंने मार्च निकाला, सीपी तक पहुँचे हैं। और इनकी जो हम जो बात की हमने, इनकी कोशिश यही कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सीपी पहुंचकर जन समर्थन इकट्ठा करें। मांग को लेकर और अभी अभी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो दिल्ली की है, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीस सड़क पर बैठ गए हैं भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जो महिला रेसलर्स हैं, जो मेडलिस्ट बेटियां हैं, वो ज़मीन पर बैठ गए हैं। और मांग आपको पता ही है कि जब तक इनकी मांग है कि जब तक आरोपी बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। और ये प्रदर्शन जो है जंतर मंतर से उठकर ये एक मार्च निकाला गया है जो सीपी पहुंचा है, कनॉट प्लेस पहुंचा है। और इसका मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जन समर्थन इकट्ठा किया जाए। लगातार नारेबाजी की जा रही है, आप इनके हाथों में जो है वो बैनर पोस्टर देख सकते हैं। एक एक तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और एक तस्वीर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इधर दिखाएंगे। सुरक्षा बल जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, चाहे वो आरएएफ के जवान हों या फिर दिल्ली पुलिस के जवान हों, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पर जो है लगातार नारेबाजी की गई है, ये देश की पहलवान बेटियाँ हैं जो इस समय सड़क पर बैठी हुई हैं। आपको एक बड़ी अपडेट दें कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐलान किया है कि अब वो जो है वो भी पहलवान बेटियों के साथ जंतर मंतर पर बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और इससे जो न्याय के प्रति जो गलत व्यवहार हो रहा है, वो जो संदेश जा रहा है, वो बहुत दुखद है। भारत की हमेशा से कोशिश करती रही है कि यहाँ बहन बेटियों का सम्मान होता है, उनकी रक्षा होती है, लेकिन आज देश की राजधानी में ये हो रहा है, ये स्पष्ट करता है कि सरकार न्याय नहीं देना चाहती और प्रयास करे कि न्याय बाधित हो जाए। हम यहाँ से न्याय लेकर ही उठेंगे, ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग यहाँ दिल्ली में हैं और दिल्ली से अगर नहीं आवाज़ जाएगी तो हम हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। जिस तरह भी देश की सरकार को हमारी आवाज़ चली जाए और वो हमारे लिए न्याय सुनिश्चित करे, हमारी बहनों की मांगे पूरी हो हमारे भाइयों की, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। मैं देश के लोगों से अपील करता हूँ कि जिन बेटियों ने देश का गौरव बढ़ाया, आज उनके सम्मान की रक्षा करना देशवासियों की जिम्मेदारी है, आज उनको न्याय दिलाना देशवासियों की जिम्मेदारी है। तो इस आंदोलन में जन समर्थन हम तैयार करने के लिए हम लोग सड़कों पर कि जनता जिन देश के सम्मान के लड़े थे, आज उनके सम्मान की जिम्मेदारी उठाए। मुझे उम्मीद है हमेशा देश
बहन बेटियों के साथ खड़ा हुआ, इस बार भी खड़ा होगा, जैसे निर्भया के साथ खड़ा हुआ, जैसे आदर्श की बेटी के साथ खड़ा हुआ, जैसे और बेटियों के साथ खड़ा हुआ, ऐसे इन बेटियों के साथ खड़ा होगा देश। और झुकना पड़ेगा उन लोगों को जो सत्ता के अहंकार में नशे में चूर हैं, जिनको लग रहा है कि ये कुछ भी करें, कितने आंसू बहाएं, इनको न्याय नहीं मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है इनको न्याय मिलेगा और इनका जो संकल्प है देश के प्रति और मजबूत होगा। अब की बार जब हमारी बेटियां जाएंगी तो वो गोल्ड मेडल लेके आएंगे देश के लिए, देश का नाम रोशन करेंगे। और मैं देशवासियों से अपील करता हूँ कि इस आंदोलन में जन समर्थन पैदा करें, गांव गली में, तहसील ब्लॉक, चाय के दुकान, सब पे चर्चा करें और सरकार से सवाल पूछें कि सर ऐसा क्या हो गया कि सरकार आप बंद करके बैठी है, इतने मंत्री सरकार में, महिला विधायक हैं, महिला MP है, फिर चुप क्यों है? क्या ये बेटियां देश की बेटियां नहीं? सरकार को जवाब देना पड़ेगा और इस जवाब को मानने के लिए मेरा मानना है कि ये पसीना क्रांति पैदा करेगा, ये सरकार को झुकना पड़ेगा, न्याय देना पड़ेगा। जगह दे दो उसको, जगह दे दो। ये संघर्ष कर रहे हैं, हम न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, करना तो सरकार ने है, संघर्ष करना भीम आर्मी का काम है। बहनों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, संविधान के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में। भीम आर्मी के कहने पर ये मार्च निकाला जा रहा है? नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी दिली इच्छा है, पूरे भारत में जहाँ भी एट्रोसिटीज होती है भीम आर्मी वहीं पहुँचती है। तो क्या लगता है इससे दबाव बनाने की कोशिश है सरकार पर? संघर्ष करना काम है हमारा, दबाव माने ना माने सरकार का काम है। अच्छा, खेल मंत्री जी तो कहते हैं कि जो मांगे हैं वो धीरे धीरे पूरी हो रही हैं, फिर ये सिर्फ आईवास करने की स्टेटमेंट है ये। हाँ। प्रोफेसर रतनलाल जी ने एक वर्ड बोला था, रात को ही जो ना FIR करते ही उसको अरेस्ट कर लिया था। हाँ। इसके ऊपर इतने मुकदमे हैं, ये बहुत बड़ा जो ना बाहुबली क्रिमिनल है, सरकार इसके दबाव में है। कहना सरकार दबाव में, आपको भी लगता है सरकार दबाव में? दबाव में है क्योंकि बाहुबली है ब्रजेश कुमार, और वहाँ पे जो वहाँ से चुनाव क्षेत्र से आया है, वहाँ की जनता से सर्वे से पता चलता है कि वो बहुत दबाव में है और वो 10 सांसदों का इतनी ताकत रखता है, इसलिए मोदी उसको जो है इस्तीफा नहीं दिलाना चाह रहा है, वो उसको सपोर्ट है। तो आप ये नफा नुकसान देख रही सरकार? हाँ, नफा नुकसान देख रही है अपनी, उसकी जिससे जो उनके 10 विधायक और ये तो देश के पहलवान देखिए, इन्होंने तो मेडल जीता है देश के लिए, मेडल जीता है, लेकिन वो बरीता नहीं है ना, वो तो अपने जो सांसद का बरीता दे रहे हैं ना, मंत्री का बरीता दे रहा है ना। जो ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें हम कहेंगे दिखाने के लिए, यहाँ पर जो है जब बेटी मेडल लाए और जब बेटी न्याय की न्याय मांगे, तो इस तरीके के ये जो होर्डिंग्स बैनर लगाए गए हैं, मैडम क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए जांच कहाँ हो रही है? हमारे पॉस्को एक्ट में, संविधान में लिखा गया है कि अगर कोई भी किसी के ऊपर भी अगर 18 वर्ष से कम की लड़की के ऊपर कोई भी आ जाओ इधर, तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और ये साक्षी मलिक और विनेश होगा, ये काफी करीब से दरअसल हमने जब बात की थी, इनका ये कहना है कि इस मार्च का मकसद सिर्फ इतना है कि जन समर्थन इकट्ठा किया जाए।